नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया शो पुलिस FIR, जो कि हमारे YouTube चैनल SEPL पर आने वाला है। जी हाँ, SEPL। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। जय हिंद। जिंदगी पढ़ने में तो ये एक छोटा सा शब्द है, पर इसके मायनों को समझना हर इंसान की बस की बात नहीं है। मैं चाहत अमन वर्मा भी जिंदगी को अब तक समझ नहीं पाई हूं, पर पूरी कोशिश कर रही हूं। मेरा ई डायरी बनाने का मकसद अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी मैसेज देना है जो अपने माँ बाप की अच्छी भावनाओं को ना समझकर अपनी जवानी के नशे में गुम होकर गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं, जैसे मैं चल पड़ी थी। ये बात है पिछले साल के हैप्पी न्यू ईयर पार्टी की। हेलो जी। जी एक मिनट रुकेंगे। जी अरे ये उम्र में ये सब चीजें करोगे तो ऐसे ही होना है। अरे पहले के जमाने की तरह यहाँ पे काजू बादाम वो पिस्ता वो देसी घी किधर मिलता है। आप लोग भी ना जिम कीजिए, योगा कीजिए और लंबी लंबी सांसें भरिए, इससे ऑक्सीजन मिलेगा आपको अच्छा, और बाकी की बातें तो हम क्लिनिक में कर लेंगे। 6-7 बजे के करीब आ जाइए, मैं अभी निकल ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी बातें क्लिनिक में कर लेंगे। चलो अब रखते हैं हम। अरे आप मैं काफी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ जो काफी अच्छी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर डैड के कहने पर आई हूँ तुमसे शादी करने। What? जिस तरह से तुम्हारा रिएक्शन है उसी तरह से डैड की बातें सुनकर तुमसे शादी करनी है ये सुनकर मेरा भी रिएक्शन यही रहा, पर बाद में मैंने सोचा कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर ही दूँ और तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन आखिरी इच्छा पूरी करने से पहले और शादी के लिए हाँ करने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर बता देना चाहती हूँ। जी बताइए। तुम जानना नहीं चाहोगे पहले किस टाइप की लड़की थी? मैं आपको अपने बारे में सब कुछ क्लियर कट बता देना चाहती हूँ। बताइए ना, बताइए ना। पहले मैं एक नंबर की अय्याश लड़की थी। अय्याश? तुम्हारे इस अय्याश शब्द में सब कुछ आ गया। अब मेरा प्रश्न, वो भी पहला आखिरी, क्या तुम मुझसे शादी के बाद ये अय्याशी छोड़ दोगी? You're very genius. Yeah. Okay. Okay. I'll try my level best. Okay. God bless you. थैंक यू।
अरे मोबाइल तो घर भूल गया। जान ही निकाल दी। Ah!
एक्सक्यूज मी, कौन? जी मैं डॉक्टर अमन। आपको विक्की ने भेजा है? बताइए ना। जी मैं विक्की के बारे में बात करने आया। विक्की के बारे में? हाँ हाँ, लेकिन ये क्या हुआ है आपको? एक्चुअली 2 महीने पहले विक्की और हम लोग घूमने के लिए गए थे तो एक्सीडेंट हो गया। तब से मेरे पैर काम नहीं कर रहे। प्लीज 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 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये तो सिर्फ नसें दबी हुई है, मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं। श्योर? यह आई एम श्योर, लेकिन इसके लिए एक मेरी शर्त होगी। व्हाट? मैं जब तक आपको ठीक ना कर दूं, इस चीज के बारे में विक्की को ना बताइए। क्यों? जी बात यह है कि अगर मैं चाहता तो उनका कत्ल भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्या उन दोनों को सबक सिखाने में तुम मेरा साथ दोगी? I promise.
एक्सक्यूज मी चाहत, वन मिनट विकी डार्लिंग प्लीज लेट मी फिनिश माई गेम फर्स्ट। शो योर कार्ड प्लीज गर्ल्स। रानी हूँ मैं, रानी हूँ। हम तो जोकर के जोकर ही रह गए। गुलाम, तीन तीन इक्के। ओह शिट, अब इसे हारोगी या कैश दोगी बोलो। एंजॉय विकी। मजा आ गया, नेक्स्ट टाइम होगा तो कैश दूंगी। बाय। ये सब क्या है? कम ऑन डार्लिंग, जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है। मैं तुमसे यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था। विश्वास नहीं होता विकी, सबसे पहले तुम अपनी पत्नी के पास जाओ और सच्चाई का पता लगाओ, फिर आगे क्या करना है मैं देखती हूँ। ये बताओ कि मेरी गैर हाजिरी में इस घर में कौन आता है? डॉक्टर अमन। कब से आ रहा है वो? पिछले कई दिनों से आ रहा है, मेरा इलाज करने के लिए। इस बारे में तुमने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज तो वाकई तुमने दे दिया। किस हद तक की ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम्हारे साथ? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छा, जानना ही चाहते हो ना वो किस लिए आता था? हमारे साथ सारे रिलेशन हुए हैं, उसका और मेरा रिलेशन सेक्स तक पहुंच चुका है। क्या? क्या क्या? तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे ये कोई छोटी मोटी बात हो। यही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं तो? क्या, कौन सा क्वेश्चन? तुम उसकी वाइफ के साथ क्या करते थे? तुम करो तो रासलीला और हम करे तो करेक्टर ढीला। भूल गए जो तुम्हारा डॉक्टर की बीवी के साथ चल रहा है? मुझे याद दिलाना पड़ेगा। क्या कहा तुम्हारी पत्नी ने? बिल्कुल सच्ची बात कही है। अगर तुम्हारी बात 1% भी सच है तो मैंने भी प्लानिंग कर ली है।
और मेरे जहन में भी बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स गो। चाहत, गलती तो हमने की है। हाँ विकी, तुम ठीक कह रहे हो। गलती हमसे हुई है। मैंने अपने हस्बैंड को चीट किया और तुमने अपनी वाइफ को। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था विकी। हमने अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए, हमने अपनी नकली खुशी के लिए असली जिंदगी को दांव पे लगा दिया। छी, कितने मतलब परस्त हैं हम। वी आर वेरी वेरी सेल्फिश। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। गॉड विल नेवर फॉरगिव अस। हमें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। गलतियां करते 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 आज हम अपनी गलतियों को गुनाह में बदलने जा रहे थे,
जिंदगी हमें इस मोड़ पे ले आएगी, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत गलत कर रहे थे हम, जो भी कर रहे थे वो सही नहीं था। अच्छा हुआ भगवान ने वक्त पे हमारी आंखें खोल दी, वरना विकी पता नहीं क्या से क्या हो जाता। डैडी की एक कहावत बहुत मशहूर है, सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। I'm sorry. मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मुझे जिंदगी में अब समझ में आया है पति क्या होता है। आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। गलती तो की है मैंने, महापाप। अपनी थोड़ी सी खुशी जीने की मजबूरी और पैसों की लालच, इन सब ने मुझे शैतान बना दिया था। और मैंने किसी दूसरे की बीवी को बुरी नजर से देखा, छी। और जब मुझे अपनी बीवी को किसी और के बाहों में देखना पड़ा तो क्या बिजलियां गिरी मुझ पे, सिर्फ मैं समझ सकता हूं। बीवी के नजरों से तो गिर गया बुरी तरह से, और जो इंसान अपनों की नजर से ही गिर जाए उसे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो तो एक जिंदा लाश की तरह जीता रहेगा, और मैं जिंदा लाश की तरह नहीं जी पाऊंगा। मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा। यही मेरा सही मायनों में पश्चाताप होगा, प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित होगा, मुझे मरना होगा। आत्महत्या करना पाप है। मैं एक डॉक्टर हूं और जिंदगी के मायनों को समझता हूं। दूसरों को दुख देने के बजाय अगर उनको तुम सुख दो तो यही तुम्हारा पश्चाताप है। जियो और जीने दो, जिंदगी जीने का नाम है, ना कि डर के मर जाओ। तुम समझदार हो।